हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कैपकट में ट्रेंडिंग फोटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो म्यूजिक बीट के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो हम एडिट करने वाले हैं कैपकट एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपके पास एक कैपकट ऐप होना चाहिए, एंड अगर आपके पास एक कैपकट ऐप नहीं है देन इसे आप थोड़ा सा सर्च वगैरह करके इंस्टॉल कर लेना। और कैपकट को यूज करने से पहले आपको किसी वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे वीपीएन मिल जाते हैं, वहां से आप कोई भी एक इंस्टॉल करके उसे आप ओपन करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे सुपर वीपीएन को ओपन कर लिया। फिर कनेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे कुछ सेकंड तक वेट करना होगा, देन आप ऑटोमेटिकली वीपीएन से कनेक्ट हो जाओगे। आप यहां पे देख सकते हो, देन आपको जस्ट यहां पे बैक करना है, इसे आपको मिनिमाइज कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपने कैपकट ऐप को ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। देन आपको यहां एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप वीडियो वाले सेक्शन में हो तो फोटो वाले सेक्शन में आप आ जाओ और यहाँ पे आप अपना फोटोज को सिलेक्ट कर लो जिनके साथ आप वीडियोज बनाना चाहो। तो जैसे कि मैं कुछ इन फोटोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जस्ट आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है, आपका सारा फोटोज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फोटोज ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, देन आपको एक एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप 9:16 को सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यही बिल्कुल परफेक्ट रेशियो होने वाला है। YouTube शॉर्ट्स के लिए, WhatsApp स्टेटस के लिए, इवन रील्स के लिए भी, तो आप इसी को सेलेक्ट करना। और अगर आप दूसरा जगह पे यूज करना चाहते हो जैसे कि YouTube वगैरह पे, तो आप दूसरा रेशो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसी को कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे इसे डन कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले रेशो सही कर लेना है, उसके बाद आपको अपने फोटो के ऊपर क्लिक करना है। इन सभी को आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरा स्क्रीन में एडजस्ट कर देना है, जैसे कि मैं इन सभी को एडजस्ट कर ले रहा हूँ। और एडजस्ट करने के बाद लास्ट में आपको एक कैपकट का वाटरमार्क दिखेगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप डिलीट के ऊपर क्लिक करना ताकि ये डिलीट हो जाए, क्योंकि उसका कोई काम है नहीं, तो उसे हटा देना है। ओके, तो यहाँ पे ये हो चुका। अब उसके बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए यहीं पर नीचे में आपको एक ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। यहाँ क्लिक करो, देन आपको एक साउंड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। फिर यहाँ पे आपको जस्ट एक डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक करो, डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आपके डिवाइस में जितना भी म्यूजिक होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अब इनमें से जो म्यूजिक आप यूज करना चाहोगे उसे आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर यहाँ पे खोजने में थोड़ा आपको टाइम लग रहा है तो आप जस्ट यहाँ पे सर्च के ऊपर आ जाओ एंड म्यूजिक का नाम आप यहाँ पे जस्ट लिख दो ताकि आपका म्यूजिक यहाँ पे आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बीट लिख दिया, तो यहाँ पे जितने भी मेरे पास बीट वाले म्यूजिक है वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। और मेरे पास जितने भी बीट वाले म्यूजिक है ना, उन सभी का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डेट कि आप उसका यूज करके आप स्टेटस बना सको या फिर वीडियो आप बना सको। ठीक है, तो आप वहां से सेव कर सकते हो। बाकी आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह पे मिल भी जाता है। ठीक है, तो आप वहां से भी सेव कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई म्यूजिक है तो उसे भी जस्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ना एक हाँ ये वाला म्यूजिक मैं यूज करना चाहता हूँ, तो जस्ट इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे म्यूजिक ऐड करना है। म्यूजिक ऐड हो गया। अब ये जो म्यूजिक है इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे सबसे पहले बीट मार्किंग कर लेना है, क्योंकि वही बीट के अकॉर्डिंग सारा फोटो एंड सारा एनिमेशन वगैरह हम यहाँ पे लगाने वाले है। ठीक है, तो बीट मार्किंग करने के लिए म्यूजिक के ऊपर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे बीट्स का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में आना है, आपको प्ले करना है। प्ले करोगे तो आप यहाँ पे सुन पाओगे, जहां जहां पे बीट होगा वहां वहां पे आपको सुनाई देगा, एंड वहां वहां पे आप जस्ट ऐड बीट के ऊपर क्लिक करना। और आप एक चीज और नोटिस कर पाओगे, जहां पे भी बीट होगा ना वहां पे आपको ये जो ग्राफ्स देख रहे हैं वो काफी ऊपर जाएंगे, जैसे कि ये वाला देख सकते हो काफी ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी है इसी तरीके से, मतलब आपको प्ले करना है, जहां पे बीट सुनाई देगा वहां पे जस्ट आपको इसे रोकना है और ऐड बीट के ऊपर क्लिक करके बीट को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे फटाफट बीट्स को ऐड कर लेता हूं। सो यहाँ पे सारा बीट से ऐड हो चुका है। अब उसके बाद जस्ट आपको डन कर देना है। डन करने के बाद जो भी फोटोज आपके हैं उन सभी को आपको जस्ट बीट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना होगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपको पीला पीला छोटा छोटा डॉट दिख रहा है ना, यही सारा हमारा बीट है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग आपको फोटो को एडजस्ट करना होगा, जैसे कि फर्स्ट बीट हमारा इतना ही दूर तक है तो फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसका ड्यूरेशन इतना ही कर लेंगे। ठीक है, सिमिलर वे में सेकेंड यहाँ तक है तो यहाँ तक इसे रखेंगे। ओके, तो सभी को यहाँ पे आपको जस्ट अच्छे से एडजस्ट कर देना है बीट के अकॉर्डिंग।
और यहाँ पे अगर आपका फोटो का ड्यूरेशन ज्यादा हो तो इसके ऊपर क्लिक करके स्प्लिट करके डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी। ओके, तो यहाँ पे सारा हो गया। सो इस तरीके से करके आपको सभी को अरेंज कर लेना है। अब सिर्फ हमारा एक यहाँ पे काम बचा हुआ है, वो है जस्ट यहाँ पे एनिमेशन ऐड करना अपने फोटोज में। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए फोटो के ऊपर आप क्लिक करना, आपको एनिमेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ आप क्लिक करो देन आपको काफी सारे एनिमेशन मिल जाएंगे, लाइक आप देख सकते हो इन है, आउट है, कॉम्बो है। तो इन वाले में आपको कुछ इस तरीके का काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे एनिमेशन मिल जाएंगे। तो इनमें से भी आप किसी को सेलेक्ट कर सकते हो, आप देख पा रहे हो काफी सारे हैं, जो आपको अच्छा लगे उसे आप सेलेक्ट करना, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉम्बो में आप आ जाना, क्योंकि कॉम्बो में सबसे बेस्ट है। मतलब कि अगर आप मेरे से पूछोगे भाई कि इन एंड आउट या फिर कॉम्बो, इन सब में से सबसे ज्यादा अच्छे वाले एनिमेशन कहाँ पे मिलेगा, तो मैं बोलूंगा कॉम्बो, क्योंकि कॉम्बो में आप देख सकते हो काफी सारे काफी कमाल कमाल के एनिमेशन है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सारे आपको यहाँ दिख भी रहोगे, ठीक है। कुछ इस तरीके के जूम वगैरह वाला भी है, और आपने जो ट्रेंडिंग में देखा होगा कुछ ऐसे, ये जो पेंडुलम इफेक्ट, ये भी यहाँ पे है, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगे उसे आप सेलेक्ट करना, और यहीं से जस्ट आप दूसरा फोटो में इस तरीके से स्विच भी हो सकते हो, तो स्विच हो जाना एंड यहाँ पे जो आपको अच्छा लगेगा उसे आप सेलेक्ट करना। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ ऐसा एनिमेशन बना रहा हूँ, स्टार्टिंग वाले में देख सकते हो कुछ ऐसा गया पेंडुलम वन की मदद से, सेकेंड वाला पेंडुलम टू की मदद से ऐसा गया, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे थर्ड में जाता हूँ और इस बार मैं पेंडुलम वन को सेलेक्ट करता हूँ। मतलब कि अल्टरनेटिव फॉर्म में करना है, एक बार पेंडुलम वन फिर दूसरे वाले में पेंडुलम टू, तो कुछ इस तरीके का आपके सामने जस्ट इफेक्ट या फिर बोल सकते हो एनिमेशन बन जाएगा। लाइक आप यहाँ देख सकते हो, अरे इसमें तो गलत ऐड हो गया, ये वाला है, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पे जस्ट एनिमेशन हमारा बन के रेडी हो रहा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पेंडुलम वन और पेंडुलम टू की मदद से बना सकते हो। ओके, साथ ही में आप यहाँ पे दूसरे इफेक्ट भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सेम एनिमेशन आप यूज करो, जैसे कि मैं इसे यूज कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे नेक्स्ट फिर से मैं उसी को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसा आपको सही लगेगा एनिमेशन, वो सभी को आप यहाँ पे जस्ट यूज कर सकते हो। और यहाँ पे सभी में एनिमेशन ऐड हो गया, फिर हम इसे डन कर सकते हैं। देन आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हो। अब चाहो तो आप इसमें कुछ ओवरले वगैरह ऐड करके इसे आप और भी बेटर अपने अकॉर्डिंग बना पाओगे। जैसे कि आपको यहाँ पे ओवरले का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करना, देन यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना, और यहाँ पे आपको एक अच्छा सा ओवरले को सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा इस वाले फोल्डर में है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एल्बम के ऊपर क्लिक करता हूँ और इस वाले फोल्डर में आ जाता हूं। फिर उसके बाद जस्ट यहां पे ओवरले को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अब मेरे से आप ये चीज पूछ सकते हो कि भाई ओवरले हमें कहां पे मिलेगा, तो यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, आप वहां से सेव कर सकते हो। साथ ही मेरे पास जितने भी ओवरले हैं उन सभी का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। सो यहां पे ओवरले आ चुका, अब इसको पूरा स्क्रीन में करके स्प्लाइस के ऊपर आप क्लिक करना और स्क्रीन या फिर लाइटन का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट कर लेना। लाइक आप यहां देख सकते हो लाइटन का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना, ये ब्लैक कलर हट जाएगा, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ओवरले वगैरह भी ऐड कर सकते हो। अब इसे सेव करने के लिए 1080 के ऊपर क्लिक करना, सभी को बिल्कुल मैक्स कर देना एंड उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना, सो डेट की बिल्कुल हाई क्वालिटी में आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए। ओके, तो इस तरीके से आप वीडियोज को बना सकते हो। आई होप आपको सारी चीज समझ आ चुका है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।